टाइटल कंडीशन तो आपको पता ही है। हेलो हाँ सर, बोलो आप बोलो। सुन पा रहे हैं? सर बिहार का हाँ सोसाइटल कंडीशन तो पता ही है। तो और ये मैं मतलब बीपीएससी इसलिए मैं जल्दी में करना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रेशर हैं जो धीरे धीरे क्रिएट होने लगते हैं, खास करके सोसाइटी के, फैमिली के, तो उनसे मैं बचना चाहती हूँ। इसलिए मैं एक सिक्योर जॉब चाहती हूँ। मानती हूँ कि मतलब ये जो बीपीएससी है ये 24x7 का जॉब है, लेकिन मैं मतलब मेरा जो मेन फोकस है वो यूपीएससी ही रहेगा। मैंने अभी तक मात्र एक बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो मैं आगे आने वाले टाइम में जरूर दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बिल्कुल बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए ताकि मैं अपने मतलब अपने एजुकेशन को आगे परस्यू कर सकूँ और जो सोसाइटियल जो प्रेशर है उन सब से हैंडल कर लूँ और उन पे ध्यान ना दूँ मैं, क्योंकि नहीं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग की शुभकामनाएं हैं, लेकिन थैंक मेरी यू सर। बात को सब लोग ध्यान रखना। और कोई अगर अन्य किसी का प्रश्न ना हो तो मैं एक तुम लोग को छोटी सी स्टोरी सुना करके इसको खत्म करूंगा। किसी और का कोई प्रश्न है क्या? यस हाँ बताइए सुमन। सर, मेरा ये है कि अगर जैसे बीपीएससी यूपीएससी का फॉर्म फिलिंग करते तो स्पोर्ट्स कोटा से अब भरने पे कितना उसको प्रिफरेंस मिलता है या बेनिफिट मिलता है? देखो ऐसा है कि यूपीएससी बीपीएससी जो है वो फ्री लेवल पर प्ले करने वाले लोगों का है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पीएचडी हो, बीए हो, आप स्पोर्ट्स कोटा के हो, आप द्रोणाचार्य के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये अलग बात है कि इंटरव्यू के दौरान आपने बोल दिया कि साहब मैं स्पोर्ट्स का हूं और मुझे जो है मेडल्स मिले हैं, तो इंप्रेशन पड़ सकता है। लेकिन बीपीएससी में कोई स्पोर्ट्स का कोटा मुझे लगता है नहीं है, तो अगर जानकारी का हो तो बताना। बट कोटा ऐसा सच नहीं होता है, फ्रीडम फाइटर्स का कोटा तो होता है, स्पोर्ट्स कोटा मुझे नहीं लगता बीपीएससी में कोई ऐसी तरह कोटा होता है, ठीक है ना। ठीक है, सर तो तो स्पोर्ट्स, हाँ, यूपीएससी यूपीएससी में में भी कोटा ऐसे नहीं होता, कोटा नहीं, कोटा नहीं होता, कोटा नहीं होता। ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं इनका कोटा होता है, बट जो गवर्नमेंट की जॉब होती है, कॉम्पिटिटिव जॉब्स, इसमें कोटा है सच नहीं होता है, ठीक है। तो कोटा पे आप परेशान करने की जरूरत नहीं है। वुमेन्स के लिए बीपीएससी में 35% रिजर्वेशन होता है, एंड प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं, तो यही आपको 2 लाभ मिल सकता है, प्लस आपको कैटेगरी का लाभ मिल सकता है। बट स्पोर्ट्स कोटा एज सच ना बीपीएससी में होता है ना यूपीएससी में होता है, क्लियर, राइट। यस सर, थैंक यू सर। और कोई किसी का इशू? राइट, तो मैं नगन कुरान कुमार जी कुछ कहना चाहते थे क्या? राइट, तो मैं अब इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों से हो सकता है मैं पहली बार मेरा इंटरेक्शन हो रहा हो, और आई डोंट नो आगे आपसे कब होगा मेरा इंटरेक्शन। मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, आप लोग जीवन में कहीं भी रहें, आप ईश्वर करेंगे आप सबों का सबका सिलेक्शन होगा, आप सब लोग यूपीएससी क्रैक करेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि सब कुछ तो ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन जीवन का एक मूल मंत्र है, और उसको मैं स्टोरी सुना करके आपको बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव थे, वो गांव के रहने वाले थे, और उनके फादर की बड़ी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। आज से 20 वर्ष पुरानी बात है, हम लोग बहुत छोटे थे और कोई स्टोरी लोग सुनाते थे, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। और उन्होंने अपने बेटे को कर्नाटका बहुत मुश्किल से पढ़ाई करने के लिए भेजा, और भेजने और डॉक्टर के लिए उन्होंने वहां पे उसका नाम वाम लिखा, उसका एडमिशन हो गया एमबीबीएस में। 2 वर्ष तक तो बेटा किसी तरह से पास होता रहा, तीसरे वर्ष में वो फेल हो गया, और अभी भी कई कॉलेजेज में और यूनिवर्सिटीज में नियम है, अगर 2 बार से अधिक समय पर आप फेल हो जाते हैं तो यू कैन नॉट रिपीट, सीएनआर बोलते हैं उसको। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, थर्ड ईयर में 2 बार फेल हो गए, और तीसरी बार वो तीसरी बार की परीक्षा के लिए तैयार हो गए। वाराणसी के रहने वाले थे, इनके पिताजी वाराणसी से साउथ में कर्नाटका के किसी जिले में गए, और उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और देखूंगा तुम प्रिपरेशन कैसे करते हो। तो उनका बेटा तो हॉस्टल में रहता था, लेकिन वो बगल में ही लॉज में रूम लेके रहना शुरू कर दिए, और 5-6 दिन रहने के बाद बेटे ने एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद फादर ने कहा कि रिजल्ट आने में करीब 14-15 दिनों का समय है, तो मैं वापस अपने गाँव लौट जाता हूँ। उनका बेटा जो है बस से छोड़ने बेंगलोर तक जा रहा था, और बस में बड़ा मजेदार कन्वर्सेशन हुआ बेटे और फादर के बीच में, मैं आपको सुनाता हूँ, वो जीवन का सार है।
फादर ने कहा कि बेटा अगर सिलेक्शन इस बार तुम फेल हो गए तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तुम्हें MBBS की पढ़ाई से निकाल दिया जाएगा, और ऐसी दशा में मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी गांव में, लोग आपको डॉक्टर साहब अभी से बोलना शुरू कर दिए हैं, और जब आप मालूम चलेगा कि आप तो डॉक्टर लौट के आ गए, आप फेल हो गए, आपको निकाल दिया गया कॉलेज से, तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी और आई कैन नॉट बी एबल टू लिव। तो बेटे ने कहा कि फादर मैं इससे ज्यादा नहीं तैयारी कर सकता था, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता था, यानी कि मेरी मेहनत करने की क्षमता इससे अधिक नहीं। जब फादर ने ये बात सुनी तो बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब तो कोई तुमने सब बातें ही कह दी, जब तुम्हारी क्षमता ही नहीं है इससे ज्यादा, जब तुम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते थे, तब मुझे कोई बात नहीं, ईश्वर जो लिखा है होगा, तुम फेल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारी क्षमता ही इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता। तो यही सेंटेंस था उसके बेटे। बाद में उसके फादर आ गए वाराणसी, बेटा वापस चला गया अपने कॉलेज, और कुछ दिनों बाद रिजल्ट निकला और बच्चा वो फेल हो गया। फेल होने के बाद रोते होते वो गांव आया, अपने फादर से मिला, और आपको खाना खाने के बाद फादर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम बीए में नाम लिखाओ, क्योंकि तुम तो फेल हो चुके हो, और डोंट वरी, जब तुम इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते थे तो कोई बात नहीं है। बेटा जो है बाहर जाकर के रोना शुरू किया, और जब रोने लगा तो बेटा फादर उसका गया तो बोला क्यों रो रहे हैं आप? तो बेटे ने कहा कि फादर मैं आपसे झूठ बोला था, सर आवाज नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कि लोगों को आ रही है ना आवाज? ये कब आने लगा राजन कुमार जी? अब ठीक है ना जी? ये राजन जी हमारी स्टोरी कहाँ तक सुने आप? सुमन तुम बताओ, हमने हमने कहाँ तक बोला जो तुम लोग सुनाई पड़ रहा था? सर बाहर बैठ करके रोने लगा बच्चा। यस राइट, तो यही तो स्टोरी थी। तो रोने लगा तो उसका फादर जाता है और कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बेटे ने कहा कि मैं आपसे झूठ बोल रहा था, और ऐसा नहीं था कि मैंने जो कहा था कि मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था वो सच है, मैं इससे ज्यादा मेहनत कर सकता था लेकिन मैंने झूठ बोला और अब मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तो फादर ने कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम तो मेरे पुत्र हो, मैं जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान की क्षमताएं तो असीमित होती है, MBBS क्या है, कोई बात नहीं, कोई अब तुम भूल जाओ पुरानी बात को, BA में नाम लिखा, और अब कम से कम जब सोना रोज तुम्हें सोचना कि क्या मैं आज, अभी तक तो परीक्षा की बात कर रहे थे, आज जब रात में सोना तो सोचना कि आज जो मैंने दिन भर में किया क्या मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। और उसके बेटे ने वही किया और बाद में BA उसने किया और MA किया, और बाद में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी सिलेक्ट हुआ। इस कहानी का जो सार है वो ये है कि जब आपका PT में नहीं होता है, जब आपका मेंस में नहीं होता है, जो आपका इंटरव्यू में नहीं होता है, ये UPSC के PT में नहीं होता है, तो आप हमेशा अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, और इसका उत्तर था कि नहीं कर सकते थे तो फिर ये हमारी कमी है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा कंपटीशन खुद से है, हमारा कंपटीशन दूसरे से नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि प्रतिदिन जब आप सोइए तो रात को सोने के 10 मिनट पहले आप जा करके देखिए कि आप सोचिए जो आज दिन भर पढ़ा है उसका क्या, वो क्या उससे ज्यादा पढ़ाई कर सकते थे कि नहीं, उससे ज्यादा मेहनत आप और कर सकते थे कि नहीं। इस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत आगे अभी जाना है, अभी ये शुरुआत है, आप सब लोग यंग हैं, कम एज के हैं, और जीवन में हमेशा याद रखिएगा आज का दिन जो है बेटर है, जो कल का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज ही मेहनत करनी है। अगर इस समय 3:36 हुआ है तो अगले 12 बजे रात तक हमारे पास 8 घंटे हैं, उस 8 घंटे में हम जो है तब मैक्सिमम फिर जान लगा देंगे, कल सुबह फिर जब उठेंगे तो फिर जान लगा देंगे। उत्साह के साथ आगे बढ़िए, याद रखिए कि आपने जीवन भर जो कुछ भी पढ़ाई की है, आपके जीवन में जो भी सबसे अच्छा क्षण आया हो उससे भी अच्छा क्षण आया है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि कई लाख बच्चों में आप ऐसे बहुत ही ज्यादा लकी हैं, आप बहुत ज्यादा जो है एक प्रिविलेज्ड है कि आप जो है यहाँ तक पहुंचे हैं, आप विशेष रूप से
ये आपके आप आपकी आपकी ये आपकी क्षमता, आपके माता पिता का आशीर्वाद है कि आप सब लोग यहाँ पर, आपको मौका मिला है ऐसा, और इस मौके को आप 100% यूटिलाइज करिए पूरे उत्साह के साथ। जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है उसको हमेशा सामने रखिए, जो निगेटिव चीज, दुनिया में हमेशा निगेटिव लोग आपको मिलेंगे उनको दूर रखिए। जो अभी श्वेता ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, सोसाइटी आपके साथ बिल्कुल बुरा बर्ताव कभी कभी करता है, परिवार के लोग भी ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं या आपकी अपनी क्षमता आपके साथ है तब तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा प्रयास करना है। और इस हमेशा इस विचार के साथ मैं आज खत्म करूंगा कि आज से आप जब भी रात को सोइए तो सोचिए कि हमने इससे ज्यादा हम तैयारी कर सकते थे कि नहीं, पढ़ सकते थे कि नहीं, और अगर लगे कि नहीं पढ़ सकते थे तो अगली बार उसको और दुगनी गति से पढ़िए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले 10-12 सालों का हम लोग का अनुभव रहा है जब से हम लोग सेलेक्ट हुए हैं इस सर्विस में कि यूपीएससी, मैं बीपीएससी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझाया नहीं जा सकता या आप समझ नहीं सकते। ये वैसे ही है, एक प्रोफेशनलिज्म है, जैसे एक आईआईटीयन आईआईटी कोचिंग करता है और आईआईटीयन बन जाता है, इसका जो पैशन होता है आईआईटी में जाना, तो वैसे ही आपका भी पैशन होना चाहिए यूपीएससी में जाना। यूपीएससी कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती है, कठिन तब तक है जब तक गेट के बाहर से आप उसको देख रहे हैं, जब एक बार आप अंदर आप घुस गए तो बिल्कुल कठिन नहीं होता और आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और पूरे उत्साह के साथ, आप सभी लोग लकी हैं कि आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद से आप लोग यहाँ तक पहुंचे, और पूरी कोशिश करिए कि बीपीएससी का सिलेक्शन आपका हो जाए। और हम लोग की तरफ से कोई भी अगर आपको समस्या होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, विलास जी से मैं सुन रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नंबर आपको शेयर कर देंगे। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या इंटरव्यू में होगी तो ही कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मैं चाहूंगा, हम लोग का उद्देश्य यही था कि जब मेरा मैं तैयारी करने के लिए जब मेरा मैं दिल्ली गया था तो मेरे फादर उस समय रिटायर हो चुके थे, तो मेरे फादर कहते थे कि भाई हमारा तो कोई रिलेटिव सिविल सेवाओं में नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था कि सिविल सेवाएं क्या होती हैं, कैसे बनते हैं, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है। तो मैं हमेशा तब से मैंने सोचा कि जिस प्रकार कष्ट मुझे झेलना पड़ा, हमारे आने वाले लोगों को इस कष्ट को नहीं झेलना पड़े, इसीलिए हम लोग हमेशा मंचों पे जाकर के आपको गाइड करते रहते हैं। इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। और मैं चाहूंगा कि मेरे अगर 1% प्रयास से भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे, हम लोग को खुशी होगी। और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, जीवन के किसी मोड़ पर हम लोग फिर से मिलेंगे और आप लोगों के साथ हम गाइड करते रहेंगे आप लोगों को। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस आशा के साथ कि आज से ही आप लोग तैयारी शुरू कर देंगे, आप लोगों को बहुत बहुत हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद।